हेलो गाइस, दिस इज सरप्राइज म्यूजिक एंड आज की वीडियो में मैं डीकंस्ट्रक्ट करूंगा सिद्धू मूसेवाले का लास्ट राइड सॉन्ग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बीपीएम इस सॉन्ग का है 89। तो ड्रम बीट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल ड्रम बीट है और बहुत ही ज्यादा सिंपल सॉन्ग है। किक का पैटर्न है ये। उसके बाद स्नेयर आती है, उसी के साथ मैंने एक क्लैप को लेयर किया है जिसमें हाई सा रही है। साथ में दोनों ऐसी साउंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्लोज हाई हैट्स आते हैं। एंड टैम्बरीन आती है। तो मेन पार्ट में हमारे यहाँ पर हर बीट पे टैम्बरीन आ रही है। जब वर्स स्टार्ट होता है तब हमारी सेकंड और फोर्थ बीट पे टैम्बरीन आ रही है। एंड इसी के साथ एंडिंग में यहाँ पर कबासा है। ये इसकी वेलोसिटी ऐसे रखनी है। तो एक बारी हम अपनी बीट सुन के देखते हैं कि कैसी साउंड करती है। ये रिम शॉट आते हैं। उसके बाद हमारी आती है बेस लाइन। तो ये एशा माइनर का सॉन्ग है, बी फ्लैट माइनर भी कह देते हैं जिसे। तो उसके बाद ये पियानो आता है हमारा। ये नेक्सस में ग्रैंड पियानो लिया हुआ है। एंड उसी के साथ हमारे कोर्ड्स आते हैं। ये भी नेक्सस ग्रैंड पियानो सॉफ्ट लिया हुआ है। तो साथ में दोनों ऐसी साउंड करते हैं। तो उसके बाद हमारा जो मेलोडी कह सकते हैं वो बनाई हुई है स्ट्रिंग्स और वायलिन से। तो ये बहुत सस्टेन सी साउंड है। उसी के साथ मैंने वायलिन लिया है जिसमें ट्रिमेलो इफेक्ट लगा हुआ है। तो इसकी साउंड ऐसी है। तो जो स्ट्रिंग्स है जो ये मैंने एक्सपी डांस ऑर्केस्ट्रा में लिया है। तो उसके बाद जो वायलिन है ये मैंने बीबीसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में से लिया है। यहाँ पर ट्रिमेलो इफेक्ट ऑन करना है। तो हमारा जो म्यूजिक पार्ट है वो सुन के देखते हैं कि कैसी साउंड करता है। एंड यहाँ पर एक रिवर्स क्रैश आता है हमारी बुक से पहले। तो ये हमारे इफेक्ट्स हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर रैंडमली साउंड्स ली हुई हैं जिसे हम फोले भी कह देते हैं स्टार्टिंग में, इंट्रो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये हमारे हेलीकॉप्टर की साउंड है। एंड यहाँ पर हुक में टू बार्स के बाद स्क्रैच आता है। तो वो देखना है कि कैसे बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रैच है। तो जो मास्टर है हमारा तो उस पे ग्रॉस बीट इफेक्ट लगा है, डिस्टोर्शन लगा है। हमारा इफेक्ट है ग्रॉस बीट में। ये हमारा आता है स्क्रैच में यहाँ टर्न टेबलिस्ट में जाकर ये वाला इफेक्ट है। तो ये डिस्टोर्ट किया हुआ है, इसको हाफ ही रखना है। तो ये ऐसी साउंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे तीन ऑटोमेशन लगाई हैं हमने यहाँ पर। एंड यहाँ पर विनाइल की साउंड है, इसको भी डिस्टोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर मेन हुक से पहले यहाँ पर एक नॉइस आती है। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए हैं। तो एक बारी बीट सुन के देखते हैं कि कैसी साउंड करती है।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।